पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, जो लोक भाषा में इसकी रचना की, इसलिए मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन करना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप इस प्रकार से धार्मिक आयोजन क्यों कर रहे हैं। मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़, जब हम छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं तो लोग या तो खनिज के नाम से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लोहा का खदान है, कोयला का खदान है, बॉक्साइट का खदान है, हीरा का खदान है, या उस नाम से जानते हैं कि नक्सलियों का गढ़ है। हम केवल खदान के नाम से नहीं जाने जाते, हम केवल नक्सलियों के नाम से नहीं जाने जाते, छत्तीसगढ़ के बहुत उच्च संस्कृति और परंपराएं रही है, चाहे वो द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे वो बौद्ध कालीन हो, सब में हमारी उपस्थिति रही है। हमारे बिना कोई युग का उल्लेख नहीं हो सकता। रामायण काल में यदि घर निकाला हो जाए, आपके परिवार वाले निकाल लें, तो सबसे पहले आप कहां, आपके दिमाग में क्या, कौन सी बात आएगी, कहां आप जाना चाहेंगे? जो आपका प्रिय स्थान है, जहां के लोग आपके प्रिय हैं, वहीं आप जाना चाहते हैं। और वही काम भगवान राम ने किया जब उनको वनवास हुआ, तो सबसे ज्यादा समय कहीं बिताया तो हमारे छत्तीसगढ़ में बिताया, क्योंकि यहां के लोग उनको प्रिय थे, क्योंकि यहां के लोग निश्चल हैं, ईमानदार हैं, मेहनत कश हैं। और भगवान राम, आप जितना भी देखें, किसी युग में भी देखें, भगवान राम को वनवास हुआ, एक निमित्त बना, भगवान राम को अयोध्या छोड़कर निकलना पड़ा, लेकिन उन्होंने क्या काम किया? सबसे पहले जो नदी में जो केवट है उसके साथ उन्होंने मित्रता की, उसके बाद आदिवासियों से मित्रता की, जो सबरी माता के जूठे बेर खाए, तो समाज को जोड़ने का काम। यदि आप त्रेता युग में देखें, भारतवर्ष को जोड़ने का काम किसी ने किया तो भगवान राम ने किया। अयोध्या से लेके श्रीलंका तक के जोड़ने का काम किया, विभिन्न समाजों को जोड़ने का काम किया, वो भगवान राम ने किया, दूसरे ने नहीं किया। द्वापर में आए भगवान कृष्ण, मथुरा से लेके द्वारका तक जोड़ने का काम भगवान कृष्ण ने किया। शंकराचार्य जी निकलते हैं केरल से और पहुंचते कहां, बद्रीनाथ तक के, दक्षिण से लेके उत्तर तक जोड़ने का काम। स्वामी विवेकानंद जी कन्याकुमारी से निकलते हैं और पूरा कश्मीर तक के जाते हैं। मैं इसलिए इस सब को बता रहा हूं कि जितने भी हमारे महापुरुष हुए, हमारे जो भगवान अवतरित हुए, उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया है, विभिन्न वर्गों को जोड़ने का काम किया, एक सूत्र में बांधने का काम हुआ है। आदरणीय साथियों, लेकिन दुर्भाग्य आज क्या हो रहा है, जिस भगवान राम की तस्वीर देखते हुए हमारे हृदय में शीतलता का संचार होता है, जिस हनुमान का ध्यान करने मात्र से